भोले शंकर की जय। बोला तू रोज रोज जाकर ही शंकर भगवान से काम मांगता है। गाँव माँ शांति, शहर में एक बढ़िया सी नौकरी और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा बात। भोला, अरे का है जिला में तो है? क्या भोले को शंकर भोले का दर्शन भी नहीं करने दोगे क्या? अच्छा पंडित जी, जय शंकर। बेटवा तेरी जल्दी आ। भाई क्या हुआ रहीम चाचा, तोप का गोला फटका वहां का काहे चिल्लावत हो? बेटा हमारा बकरा दो दिन से बीमार है, न खावा है न चिल्लावा है, जरा हकीम को दिखा ला बेटा। अरे आपके घर में तो तीन तीन मुस्तंदा है, कहाँ गए आपके बेटे? अरे वो तीन बेटे नहीं, खोटे सिक्के हैं, बड़े ही नालायक है। लायक बेटा तो तू ही है, ही सारे गांव का। ठीक है, चढ़ाई दो कंधे पर। अरे बोलो बेटा, हमारी मुर्गिया अब्दुल मियाँ की दुकान पे पहुंचा दे और पैसे दे आना। दे दो। ये लो। हमारा ना बस्ता छोड़ के स्कूल चला गया, इसे ले जाके स्कूल में दे देना। अरे मैं तुम्हारा बस्ता पकड़ूंगा कैसे मौसिया? एक तो महंगाई, ऊपर से घर में बजने वाली शहनाई, और ऊपर से लड़के वालों ने मांसाहारी भोजन की इच्छा की। अब कहाँ से लाए बकरा और कहाँ से लाए मुर्गी? अरे बस्ता छोड़ा, मुर्गियां उनका देता सारे बकरा दोनों मुझे। बोला हमारी बिटिया तुम्हारी बहन हुई ना? हाँ सो तो है। तो आज हमारी बिटिया को लड़के वाले देखने आवे थे। हाँ तो ससुर जब तक मटका बाजार में ले जाई, पैसा कहाँ से आई? तो पैसा नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा, और खाना नहीं पकेगा हमारी गांव में नाक कट जाएगी। आई अरे तुहार नाक काटी तो हमारी नाक काटी, हमारी नाक काटी तो गाँव की नाक काटी, इसका मतलब पूरा गाँव नक्शा। अरे हम ऐसा नहीं होने देंगे, पूरा मटका बेच कर आएंगे। चला जरा तनिक उठावा उठावा। हाय नाक का सवाल है, गांव की नाक नहीं कटनी चाहिए। मतलब तू नहीं उठाएगा? अरे अभी नहीं शाम को उठाएंगे। ये बोला उठा देना। अरे बोला ना शाम को उठाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है तो ठीक है, चला। अरे बोला भैया क्या हुआ? बच गया, एक सौ बच गया। पर वो नहीं बचा। अरे बोला कपड़ा सारी तो खराब हो गया। अरे बोला भैया अब खाला तो बाजार कैसे जाएगा? अरे हाँ ये तो ठीक बात है, इसमें भी गांव की नाक कटेगी, लोग कहेंगे भोला ऐसा कपड़े में बाजार कैसे जाएगा? जल्दी कपड़े दे देना, हम लोग वो देते हैं। अरे हाँ ये बात भी ठीक है, एक मिनट। हाँ ये ले ना, ये ले। ठीक है, कहने का कत्ता
क्यों? और दिख रहा है ना? ए सुंदरी, क्या अब दिख रहा है का? नहीं, हम तो डर गए थे। अरे क्या कर रहा था? पूरा खाई गवा। अरे क्या खा गया? अरे केले का पत्ता पूरा खाई गवा। अरे सुंदरी जरा देख तो दिखा सका। नहीं नहीं ना, बकरा काटन गए रहे। अच्छा बकरा काट। हाँ, अभी अभी तो काट के आया। काले रंग का, काले रंग का बकरा। ये देखो खाल, इसका मतलब रहीम चाचा का बकरा कट गवा। बकरा ही नहीं, चार सफेद रंग की मुर्गे भी हलाल करके आ रहा हूँ। अरे माँ काहे चिल्ला रही है, हम तो सारा सामान ठीक से ले जा रहे थे। अरे वो ससुराल साबुन कहाँ से हमारे पैर के नीचे आई गवा और हम फिसल गए और सारे सामान का हो गया बनता था, है ना भैया? अरे सारे सामान का नहीं, एक छो बचा लिया। ये देख, क्या तीर मारा है भैया? ए चुटकी, नौका कितनी बार बोला है किसी का काम मत किया कर, मगर तू है कि मानता ही नहीं। अरे माँ, हम काम मांगने किसी के पास थोड़ी जाता हूँ। सब राह चलते अपना अपना सामान हम पर थोप देते हैं, कहते भोला भैया ये कर दे, भोला बेटा वो कर दे, और माँ हमसे किसी को ना नहीं कहा जाता। हाँ, अरे ये तो तोरी सबसे बड़ी भूल है। अरे कबहू तो ना कदा सीख ले। बापू, ये भोलेनाथ है, किसी के समझाने से नहीं समझेंगे। वो कहावत है ना, अंधे के आगे रो अपने नैन खो। ए चुटके, गांव की मुर्गी और शहर की बोल, अंग्रेजी की दो चार किताबें क्या पढ़ ली, शहर की बोल बोलने लगी है। खैर तुझे पता था, चल जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक ही तो कह रही है। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। ठीक है, आज के बाद हम कोई काम नहीं करूंगा, चाहे कोई जिया या मरे। हाँ, घर का भी नहीं करोगे? घर का भी नहीं और तेरा भी नहीं। बोलो भैया। बोलो भैया, काम की बात करेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा। भैया पाछड़ की छत गिरी है। अरे गिरे तो गिरती रहे, हमको क्या करना? अरे भोला, तूने सुना नहीं कि हुआ बच्चे मुसीबत में है? तो हम क्या करें? क्या करें? अरे तू चाहते है कि हम चप्पल उतारे? ये देखो, वो कह दिया काम ना करा, तुम कहते काम करा, हम बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ जाओ ना भैया प्लीज। ठीक है, हम जात है, लेकिन कोई उल्टा पुल्टा हो गया तो हम क्या ना कर रहे हैं? हाँ, नहीं कहेंगे, अभी तू जाना। अरे यार जल्दी कर भाई, जल्दी कर। भैया उठाओ उठाओ, ओ बच्चे लोग जल्दी। नेताजी जिंदाबाद। हटो। ये तुमने ठीक नहीं किया छठी प्रसाद जी। अरे भाई कहा ठीक नहीं किया? क्या ठीक नहीं किया? हाँ, हम गांव का वोट देकर तुम्हें जिताए रहे, संतरी से मंत्री बना, तुमने अपना वादा पूरा किया। कौन सा वादा? ही लो, कौन सा वादा? अरे जब हमारी बहना आठवीं पास करके शहर पढ़ने के लिए गई, तो तुमने वादा किया था स्कूल तोड़कर कॉलेज बना दोगे। अरे कॉलेज तो दूर, स्कूल ही गिर गया, जहाँ से हम मिडिल पास करके निकले और तुम छठी में फेल होकर बाहर निकालेंगे, इसलिए तो आपका नाम छठी प्रसाद रखा गया। ये आपको किसी अपोसे पार्टी वाले ने बताया होगा? अरे ये पुरबात पूरा गांव जानता है, काहे का पोजीशन रे। एक बात याद रखना, इस बार गांव का एक भी वोट आपको नहीं मिलेगा। अरे बुद्धू, हमारा जूता निकाल निकाल। जूता ये ले, ले भोला, ये हमारा जूता, हमारा सर पर मार। का है? इन्होंने काम ही ऐसा किया। हाँ,
शहर में जाके हमने कॉलेज बनवाया। यहाँ स्कूल की फिक्र भी नहीं की। शहर में हमने अस्पताल खोला। यहाँ एक छोटा सा दवाखाना भी नहीं बनवाया। शहर में हमने रेलगाड़ियाँ चलवाई। अरे यहाँ कम से कम बस तो शुरू करवा ली। इसीलिए बोला हमारे जूता हमारे सर पर मार। बस 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 रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए। आपने शहर में जो कुछ भी किया सुन के हमें बहुत खुशी हुई। अब गाँव की भलाई का कुछ सोचिए। ठीक है ठीक है। अबे ये कल तक ये स्कूल बन जाना चाहिए वरना तेरी खोपड़ी खुलवा दूंगा। समझा के नहीं भोला? तेरे जैसे युवकों की हमारे देश को आवश्यकता है। आज तूने हमारी आँख खोल दिया भोला। एक काम कर, तू कैसे भी कल हमारे घर आ जा, हम गांव की भलाई के लिए सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है जाइए। अच्छा चलो भोला, हम चाहता हूँ कि तू शहर चला जा। काहे? बोला तेरे जैसे होनहार आदमी शहर में जाकर के बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। और जब तू बड़ा आदमी बन जाए तो गांव की सेवा भी कर सकत है, अपन बहन की धूमधाम से शादी भी कर सकत है। सत्य वचन है। ये तो सही बात है, लेकिन हमका शहर में जानत कौन है? तू उसकी चिंता न कर। शहर में अपन ही गाँव का जगन्नाथ त्रिपाठी है ना, हम उनका नाम चिट्ठी दे दूंगा। जगन्नाथ त्रिपाठी? हाँ भाई, आज वो अपनी मेहनत से शहर का कितना बड़ा आदमी बन गया। और देख रहे तो कभी कहा से कहा बना दे। सत्य वचन है। तब तो हम शहर जरूर जाऊंगा, बड़ा आदमी भी बनूंगा और अपनी पढ़ी लिखी बहना के लिए एक पढ़ा लिखा वर भी ढूंढूंगा। तो ठीक है, कल आके चिट्ठी ले जाना। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। विद्वान, ये कौन सी चाल है? अरे यहाँ रहेगा तो लोगों को भड़काएगा, एक भी वोट नहीं मिली। सत्य वचन है, सत्य वचन है। ए छुटकी, तू अगर रोएगी तो हम ना ही जाएंगे। हाँ मैं कहाँ रो रही, वो तो बापू रो रहा है। सुना बापू, छुटकी कह रहे कि आप रो रहे हैं। अरे वो तो पगली है, हम कहे रोएंगे? अरे हमारा बेटा बड़ा हो गया तो इमा इमा रोने की कौन कौन बात है बेटे? वो तो रही है। माँ, बापू कह रहा है कि तू रो रही है। तू सबसे पूछता घूम रहा है, अपनी आंखें तो देख, रो रो के कितनी लाल हो गई है। नहीं, हम कह रहे हम कभी नहीं रोए। हाँ हम कभी रोए का नहीं बेटा, तू कभी नहीं रोया और ना ही रोएगा। सदा से रहना, प्यार से रहना। बेटा हमका चिट्ठी लिखते रहना, भूला नहीं। भैया मुझे शहर में जाके भूल तो नहीं जाओगे? अरे पगली, हम तो तोरे वास्ते जा रहे हैं, वहां जाके हम खूब पैसा कमाएंगे और वापस आके तोरी शादी हम धूमधाम से करेंगे। अच्छा अब तू चल, गाड़ी का समय हो गया। हाँ पर जगन बाबू को हमारा नमस्ते बोलना। अच्छा बहना, अच्छा भाई हम जात हैं। खुश रहो खुश रहो, हमार तरफ से भी सब लक्ष्मी लोगन को प्रणाम। ए चकवा सरकार खोले क्या? सरकार खाता, आइए खोलता हूँ। सरकार हमारी ये सुनहरी सोने जैसे परियों का यौवन जो है ना, आज फुल नाइट के लिए होटल रॉयल बीच जा रहा है। इनकी दोबारा फरमाइश हुई है। रेटवा बहादो बढ़िया सरकार। ए मैडम, ई का भाई इनका बहुत चर्बी बढ़ गया है, इन लोगन का वर्कआउट कराओ, उही जैन फोड़ा वाली एक्सरसाइज। तभी तो ई सब 26 36 सरकार। चलो वो ऐसा है सरकार, गांव से 9 लड़कियां आई थी, उनमें से 6 तो राजी हो गई है धंधा करने की, बाकी 3 कुछ मान नहीं रही। अबे लगा करंट। हाँ नहीं मानी।
तुहर माई भी करेगी। थूक दिया सरकार। सरकार आया हूँ और लाया हूँ। काशी लाया है रे बंगाली। अरे ओई, जिनकी चमड़ी बेच के अब दमड़ी कमाते वो भी सोने की। रातों की रानी चंपा चमेली मोगरा गुलाबो, वो लोग आपसे वो क्या है गुफ्तगू करना चाहते। कौन गु करना चाहते है? बुने, बुने। ठीक है करवाओ। चलिए जगन्नाथ से पार्टी। हाँ हमने मिल गई पार्टी। हाँ चेतन बाबू से सब बात सुनकर करनी है। हाँ। हाँ। जगन बाबू को नारी निकेतन चलाते हैं। प्रणाम देवियो, हमारी संस्था में यदि कौनो दुखी हो तो ही जगन्नाथ त्रिपाठी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। कौन कष्ट है आप लोगों को कहो? नारी का कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। जगन बाबू सुबह से रात तक काम करते हैं, एक काम निपटता नहीं कि दूसरा हाजिर हो जाता है, खाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे तो कुछ बादाम वादाम खा लिया करो, कौन बंदी सका। ये सारा कारोबार हम तुम लोगों की खातिर तो कर रहे हैं, वरना हमार खर्चा ही का है। दुई ठो रोटी, एक कटोरी दाल, थोड़ा सा प्याज और चटनी। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम सब लोग सुखी रहो, खुशी रहो। ऐकर खातिर थोड़ा बहुत ओवर टाइम कर दिया करो। जगन बाबू तो कोनो महात्मा लग रहा है। आप ओवर टाइम की बात करते हैं, इस बेचारे गुलाबो को देखो, एक तो इसका बच्चा बीमार, दूसरे काम कर करके इसकी कमर ही टूट गई है। अरे तो हम अपना वो बाल आश्रम काहे खोले हैं, अपने बच्चा को वहाँ काहे नहीं भेज देती। और रही कमर की बात, तू डॉक्टर सालिया वाला साला कौन मर्ज की दवा है? वाह क्या बात है। वो डॉक्टर सालिया वाला वो तो दवा कम देता है और हाथ ज्यादा पकड़ता है। लो, अरे हाथ नहीं पकड़ेगा तो तुम्हारा क्या पकड़ेगा, तुम्हारी बीमारी कैसे पता करेगा वो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे यही तो हम लोगों की कमजोरी है। अरे हमसे कहो हम दिन रात ओवर टाइम कर सकते हैं। अरे काम करने से कोई कमर टूटती है का? अरे तीन चार बार काम पर बैठेगा ना तो सारे नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे। अरे हम बहुत मजबूत शरीर का हूँ। लगता है जगन बाबू ने फिर दूसरी लाइन भी शुरू कर दी है। ई कौन है रे? हम आप तो बहुत महान है जगन बाबू, जितना सुने रहे उससे भी कहीं ज्यादा निकले आप। वो सब ठीक है, लेकिन तुम हो कौन भाई? हम भोला भोलेनाथ बल परमेश्वर नाथ बल सोमेश्वर नाथ, गाँव सोना बाड़ी, तालुक चंदन बाड़ी और डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह। हमका मंत्री छठी प्रसाद ने दिया है ये चिट्ठी। गिरिडीह से आया है? हाँ। ऊपर से मंत्री ने चिट्ठी भी दिया है, तब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा भाई। सरकार आप कहें तो लगा दूं इसे धंधे पे। काम धंधे के लिए ही तो आया हूँ। अरे भाई साहब धंधा करने के लिए एरिया समझना पड़ता है, इसका एरिया उसका एरिया। मैं चकवा। सरकार तू एकदम बकलोल है रे। सही सरकार। अरे भोला को पहले तू शहर दिखा फिर बाद में काम धंधा। इसका तू खूब खातिर सत्कार करना, ये हमारे गिरिडीह का है। और रहने की खातिर तू अपने पास वाला कमरा दे दे। दे दिया सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कह दिया ना भाई आएगी, तुम नोटवा उड़ा जाओ, हम जलवा दिखा जाइए। हाँ प्रणाम प्रणाम। हेलो हेलो जगन, मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। आहा हमार आका हमार मालिक, अरे बैंक ऑफ हिंदुस्तान मंत्री जी प्रणाम।
मैं विदेश में नोट छाप रहा हूँ। हाँ हाँ छापिए मंत्री जी, यहाँ जो आपने नगीना चॉइस किया है ना वो बहुत महंगा है। तो हमारे उस नगीने, मेरा मतलब रूपाली का क्या हाल है? वो चांद का टुकड़ा जिस पर आप ही का नाम लिखा है गिरधारी लाल। कब आ रहे सैया? अगले महीने। हाँ हाँ आइए आइए, जल्दी पधारिए और अपना नगीना हमसे ले लीजिए और हमारा माल हमारे मुंह पर थूक दीजिए। अरे कहा मंत्री जी, हम तो चमड़ी बेचकर दमड़ी कमाते हैं, वो भी सोना की। देखिए विदेश में कुछ सेवन न कीजिए, बहुत बीमारी है उधर। अच्छा प्रणाम प्रणाम। जगन जगन जगन, उस हरामजादे के आदमियों को मारने के बाद भी वो अपुन का दो छोकरी लोग को भगा ले गया। दिन ब दिन साले का हिम्मत बढ़ता ही जा रहा बाप। अगर ऐसा ही चढ़ा तो एक दिन अपुन को धंधा ही बंद करना पड़ेगा। जग्गा सेठ, रूपाली की वजह से उसने शहर के बड़े बड़े आदमियों को अपने कब्जे में कर लिया है। तो रूपाली को अपुन के कब्जे में लाओ बाप। और सुनो, अगर आइंदा कभी जगन का कोई आदमी अपुन के एरिया में दिखाई दे जाए तो साले को वैसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी वो इधर आने की हिम्मत न करे। समझ के ना बाप। क्यों बोला भैया, हमारा शहर कैसे लगा? बहुत अच्छा है। लेकिन चाकू भैया, मुझे बहुत जोर की लगी है। क्या शिशु? अरे भाई थोड़ा रोक लो, हमारा एरिया आते ही वहाँ कर लेना। हम लोग शिशु भी एरिया देख कर करो थका। हाँ यार, पहले तुमको समझाया यहाँ हर काम एरिया देख के करना पड़ता है। हाँ। ये चाकू भैया, बोलो अपनी टोपी देना। टोपी? ये ले पहन ले, बहुत अच्छी टोपी है। ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा तो कर लेने दो। छलक गई तो मेरी धुना पड़ेगी। देखो तो ठीक है, तो मैं गाड़ी नहीं कर। अरे नहीं यार, रोक दिया। अरे बोला बोला बोला, जल्दी आ भाई। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? बोला अरे चाकू भैया, उसने सुबह से कितना पानी पिया, अब जाके निकाला। टाइम तो लगेगा ही। टाइम तो लगेगा, लेकिन पिटाई भी तो हमारी होने वाली है। जगह के लोग, देख लिया क्या? चाकू सिंह, गाड़ी चला, गाड़ी चला जल्दी से। आ गए। बोला जल्दी कर, जल्दी। ये लोग कौन है चाकू भैया? दोस्त लोग है क्या? चाकू भैया, शहर में दोस्त लोग ऐसे मिला था का? अरे खुद जाके पूछ लेना भाई, जा। अच्छा ए भैया, है शहर में दोस्त लोग किसी तरह मिला था का? हाँ इसी तरह। क्यों भाई, समझ गए ना? चाकू भैया, पहले तो हम बहुत कंफ्यूज रहे, अब कंफ्यूज नहीं नहीं हो ना। अब देखा कैसे हिल हिला के घुमाते। अरे देखा, अरे बोला गया। ए भैया, पहले तुम दूटो उनको जमाई दिए, फिर एक तो हमको टिकाई दिए। हमने तुम्हारी कोनो दुश्मनी नहीं। अरे तुम तो हमारे गांव गिरडी का हो ना? ए गिरडी बेटी के लिए अपन, अपन तो जौनपुर के। अरे जौनपुर के तुम तो तोमापुर के हम है। आजा गले लग जा, इस बेगाने शहर में कोई तो मिला गले लगने के लिए। आजा आजा। अरे ये का भैया, पत्रों का निकाल रहे? हमारा कोनो गलत आदत नहीं है भरो सिंह। हाँ तोरा क्या हमारा नाम कैसे मालूम? अरे हमारा नाम भोले नाथ है, हम सब कुछ जानत है। तेरे नाने ने दो शादी की थी। हाँ वो तो की थी। हाँ तोरी एक नानी गाँव में मरी थी। हाँ मरी थी। तो दूसरी नानी यहाँ मरेगी। ये चाकू है। अरे सदाजी सदाजी, आप अपनी ये तलवार देंगे? हाँ जरूर। ये चाकू है तो ये चाकू का गिरान फादर है।
धन्यवाद। तू तो कमाल का मुंडा जिंदा रहे। भैया देख, ये गमछा हमारी इज्जत है, हमारा पूरा बिहार की इज्जत है। ये हमका दे दे, ये हमका दे दे भैया। अच्छा, तो ये तुम्हारी इज्जत है। अब देखा हम तुम्हारी इज्जत को कैसे हवा में उड़ाते हैं, ये देखा। नहीं अरे राजा जियो, बजा दो इनका बाजा। चाहिए नहीं तो क्या चाहिए? नहीं पानी, नहीं पानी है। अरे टकला हो गया। चना छोर गरम, तेरा तंदूर गरम। कोठरिया में एसी लगवा दियो रे। सगा ये खाकी मुसीबत। हाँ, हमार गिरफ्तारी का वारंट लाए रहा। दुई ठो साल हो गया अंदर गए भाई। चकवा हमारी फिकर है तो रूपाली चिरकुट जग्गा बहुत नजर रखे है रूपाली पे। अब रूपाली ऐसा नगीना है जिसकी कीमत गिरधारी लाल लाखों में लगा कर गया है। तू ससरा होकर शीशे जैसा बदन पाना चाहता है, मगर शीशे में दरार नहीं होनी चाहिए। अरे वो कम बखत टूटा हुआ आईना में चेहरा ही नहीं देखना चाहता। समझ गया सरकार, यूं समझ लीजिए रूपाली का रक्षक तैनात है। कौन रे? अजी अपना भोला। वो हमारे गांव का गंवार। गंवार नहीं है सरकार, तलवार है तलवार। का कहते हो चकवाड़ा? सरकार सही कह रहा हूँ, जग्गा के एरिया में गया था। अजी जग्गा के खास गुंडों की ऐसी तुलाई की है उसने कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो दस थे और ये अकेला। इतना मुंह उनका सुझा दिया था, हड्डी पसली एक कर दी थी। अजी सरकार, आज तुमका राम नाम सत्य हो जाता। अरे ससुरा इतना बलवान है वो? बलवान नहीं है सरकार, हनुमान है हनुमान। या ठीक बा कमांडर, तू भोला को रूपाली का रक्षक तैनात कर दो। कर दिया सरकार। मगर भोला को हमारे धंधे का खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, क्योंकि गांव वाले हमको बहुत भला मानुष मानते हैं। सरकार मैं इस मैदान का खानदानी हरामी हूँ, इस हरामी पे सारा मामला छोड़ दीजिए आप बस। ठीक बा, कल शाम होटल माउंट व्यू मां शामलाल की महफिल मां रूपाली को लेकर जाना है। सरकार तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि कल से भोला रूपाली का दल्ला है? कैसी बात करता है तू चकवा? अरे हम लोग दलाल थोड़े ही हैं। नहीं, हम लोग एजेंट हैं, स्किन एजेंट।
अरे हम तो चमड़ी बेच कर दमड़ी कमाते हैं, वो भी सोने की। हाँ चिरकुट। अरे चाकू भैया, हमारी समझ में तो कुछो नहीं आ रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हूँ। अरे इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, एक बहन को उसके भाइयों के साथ मिलवाना है और अपने जगन बाबू चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी का काम जो है ना वो तुम करो। अब हम सारे भाइयों को रूपाली से मिलवा देंगे है? और ये भी समझा देंगे कि देखो भैया, काम काज करो, पैसा कमाओ, लेकिन अपनी बहना का दिल मत दुखाओ। अरे नहीं 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 भैया, तुम ऐसा मत करना। काहे? रूपाली अपने भाइयों को खुद समझा देगी। अरे तो फिर हमारी क्या जरूरत है। अरे भोला, तुम बड़े भोले हो यार, लेकिन जमाना भोला नहीं रहा। शहर की हालत तो तुम देख चुके हो है? अरे रूपाली जैसी भोली भाली लड़कियों पर शहर के मवाली और गुंडे बुरी नजर रखते हैं, और उनसे बचाने के लिए तुम जैसे राम भक्त हनुमान की जरूरत है। तो फिर देखा, अगर ये बात है जोन रूपाली की तरफ नजर उठा के देखे तो हम उसकी आंख कोई छुए तो उसका हाथ कर देंगे, और कोई गलत जबान बोले तो हम जबान खींच लेंगे। बंगाली आया हूँ। अरे भाई ये बोला को रूपाली के यहाँ ले जा। जाता हूँ। जा भाई, ये तुझे ले जाएगा रूपाली के। हाँ भाई साहब, चलिए आइए। कान अपुन का आदमी लोगों को मार के गेला है ना, अब कान खोल के सुन साले, जगन को रूपाली की जवानी का कीमत अब कभी नहीं मिलेगा। आज अभी और इसी वक्त अपुन का आदमी लोग रूपाली की इज्जत के चीथड़े उड़ा देगा। जगह जगह हेलो जगह। आज जगन कंपनी की छाप लगाएंगे तेरी जवानी पर। लो आ गई तुम्हारी मंजिल रूपाली की चीख। अरे अपने भैया के लिए रोटी पकाते वक्त अपना हाथ जला लिया होगा बेटा। नहीं, जलने वाली आवाज नहीं, कुछ गड़बड़ लगती है भाई। हम भी नौकरी के पहले दिन गड़बड़, हम ना ही होने देंगे। चलो तो नहीं, चलो चलो। तो का कहीं देखा है? ये कलवाला है ना? हाँ जग्गा का आदमी। यहाँ क्या कर रहा है बे? तो के इलाके में हम एक बार किए रहे, तू भी एक ही बार करना। जा जा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा कहा तो निकाल रहा। अरे कैसन बुर्बा कर रहे हो? खड़े खड़े पिशाब कर दिए। अरे भाग जाने दे, तू अंदर जा, नहीं तो लड़की भी गई और नौकरी भी। अरे हाँ अंदर जा। ये बंगाली भैया, यही रूपाली देवी है का? हाँ यही है रूपाली जी। नमस्ते। लेकिन ये कलवाली मंडली यहाँ क्या कर रही है? ये गुंडे लोग हैं रूपाली जी की प्राइवेट। भैया एक कान खोल कर सुन रहे हो, हम दूसरा चीज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके, एक हमारे गमछे की और दूसरी औरत की। कल गमछा छुआ तो क्या हाल हुई गवा, आज औरत को छुआ तो समझ लो क्या हाल हुई। ये बंगाली जरा तो नहीं छू कर दे। सब ठीक है, चलो। एक हसीना जवानी बच्ची, अय्यप्पा ने प्यार कर दुश्मन आए आए। रूपाली जी, हम भोला भोलेनाथ, बल्द परमेश्वर नाथ, बल्द सोमेश्वर नाथ, गाँव सोनाबाड़ी,
तालुक चंदनबाड़ी और डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह। अब रूपाली जी, जगन बाबू ने आपकी सुरक्षा के लिए इस बॉडीगार्ड को तैनात किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काहे शर्मिंदा कर रही है, ये तो हमारी ड्यूटी है। चलिए आपको होटल चलना है। होटल? हाँ, आपके भाई आए ना विदेश से, भाई से मिलना नहीं का? भाई? हाँ तुम चलो, मैं भी आती हूँ। रूपाली देवी, तने कितना तो बता दीजिए, हमारी नौकरी पक्की है कि नहीं? हाँ पक्की। एक और भोला वाला इंसान जगन के चक्रव्यूह में फंस गया। बोला तुम यही रुको। ये लो और नीचे जाके इंतजार करो। अच्छा। मुझको यारो माफ करना है, मैं नशे में हूँ। अरे बंगाली भैया, बंगाली भैया कहाँ जगह है, ये तो रात में भी दिन लगा था, कितनी रोशनी है, कहाँ सजावट है, है ना? हाँ। ये क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस। हाँ ऐसा करो, बात सुनो, तुम जरा जाके घूमो, मैं थोड़ा माल देता हूँ। ठीक है। ये उस लड़की को ऊपर छोड़ के आया। अरे यार लड़की तो पटाखा है, पटाखा। क्या चल पूछते हैं, चल पूछते। ए माल है क्या? हाँ है ना, है। सुन तैयार रख, हम लोग मार के आते हैं। चल सुन, ना 19 से कम हो ना 21 से ज्यादा। कहा? अरे यार ना 19 से कम हो ना 21 से ज्यादा, समझा? ए चला जा, चल आता हूँ। बंगाली भैया, बंगाली भैया, ये 19 और 21 का क्या चक्कर है? अरे बाप मेरे, सुबह से मैं ही मिला क्या यार तेरे को? यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जाके पूछ, मुझे थोड़ा मानने लेना यार। हम बहुत कंफ्यूज हैं। क्या? बहुत कंफ्यूज हैं। अरे भाई मेरे, बंधु मेरे, भाई मेरे आना, ये लल्लू क्या कहता है हमको बताना। जहां तक भी मेरी नजर जा रही है, ये गिनती में काहे खता खा रही है, ये 19 मुझे लेके डूबेगा भैया, और 21 मुझे काहे तड़पा रही है। किससे ज्यादा दीवानों का ना जाने क्या है इरादा, जरा बात खुल के तो समझा दो भाई, मैं हूँ भोला भाला, मैं हूँ सीधा साधा। ना 19 से कम हो ना 21 से ज्यादा दीवानों का ना जाने क्या है इरादा। अरे रे रे रे, आप तो है मेम साहब, क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हूँ।
जरा रुके मेरे साहब। यो शट अप, माफ करना आप तो है भाई साहब, क्या करें हम बहुत कंफ्यूज हूँ। ये कैसा गजब है जगत का अचंभा, जिसे कील समझो निकलता है खंभा। ये कैसा गजब है जगत का अचंभा, जिसे कील समझो निकलता है खंभा। ये लड़की ने लड़के की पकड़ी कलाई, या लड़के ने लड़की पकाई है भाई। कोई तो बताए ये नर है या मादा, कोई तो बताए ये नर है या मादा। मैं हूँ भोला भाला, मैं हूँ सीधा साधा। ना 19 से कम हो ना 21 से ज्यादा, दीवानों का ना जान क्या है इरादा। चकवा हेलो। अरे बोलिए सरकार, मेरे मालिक। अरे जेलर साहब और बारन साहब ने हमारे ऐसा खातिरदारी की है कि कोई ससुर अपन दामाद काम ही नहीं करता। सबाब कबाब मौज मजा उ सब 5 सितारा होटल जैसन। अरे लगता है हम जेल में नहीं स्विट्जरलैंड में हैं। अब हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है रे? अजी सरकार, पहले प्लाजा होटल में 150 लड़कियां जाया करती थी, अब तो 300 जाने लग गई है। एक कर मतलब ही कि चमड़ी के मंडी में बहुत गर्मी आ गई है। अच्छा सुन, हम यहाँ जेलर और बार्डन की फरमाइश पर इनको जुबान दे दिया हूँ कि शराब और कबाब इनका रहेगा मगर सवाब हमारा, यानी कि रूपाली। और तो फौरन भोला के साथ रूपाली को यहाँ भेज दे। अरे कहाँ भेजना है मालूम है ना चिर को? क्या है, हम मटका लेके बाजार जा रहे हैं। पाँव के नीचे साबुन आ गया, चेहरे में गिर गए, सारा कपड़ा हो गया गंदा। हाँ तो रूपाली जी, हमरे कपड़े थे गांव की गोरियों के हाथ में और हम थे बकरे के हाथ में, और वो जो केले का पत्ता था ना वो साला बकरा खा गया। क्या हुआ? हमका शर्म आवत है।
बात कहूँ रूपाली जी, आप जब हंसती है ना एकदम गुलाब के फूल जैसा लगती है, सदा ऐसे नहीं हंसती रहना। अरे भोला भैया, जब मैं हंसता हूँ तो कैसा लगता हूँ? धतूरे के फूल जैसे लगते हो, बीच में ना ही बोलो, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ तो रूपाली जी, हम कहाँ थे? गांव के बकरे के पास। हाँ, गांव के बकरे के पास। तो क्या हुआ? अरे अरे भाई, झटका कंपनी है का? अरे गाड़ी गर्म हो गया। तो अभी ठंडा कैसे होगा? पानी डालना पड़ेगा, जाता हूँ और लाता हूँ। काट लिया था, वो तो भोला था, चूस के सब निकाल दिया। अब बकवास कर रहा है, काट
चूस लिया भोला। कोई सांप का जहर ना चूस के निकाल दिया, नहीं तो रूपाली जी गई थी। आ? अरे वाह गिरडी के शेर, तूने रूपाली को जान बचाकर नया जिंदगी दिया है जगन को रे। ये तो हमारा फर्ज था जगन बाबू। अरे तो का नहीं मालूम, अगर रूपाली को कुछ हो गया होता तो हम इसके भाइयों को कहा जवाब देता रे। ये रख ले जगन बाबू, आप उन लोगों को तनिक समझाइए, रूपाली जी को मिलने के लिए इतने दूर ना बुलाए, कुछ हो जाता तो। एक खातिर तो हम मीटिंग बुलाए हुए हैं। बंगाली तू जा भोला को जाकर आइडल टॉप में ठहरा दे। अरे समझ गया, चलिए भोला जी थोड़ा पैसा मुझे भी देना, पौवा मार लूंगा। इनका परिचय देवे की तो कोनो जरूरत ही नहीं है। रूपाली ये है जेलर साहब, बहुत खातिर किया हमार। ई बाड़न बाबू बहुत मुर्गा मच्छी भात खिलाए हमका। और ई मंत्री साहब नमस्ते, इंस्पेक्टर तांबे और इनका तो तुम जानते थी हो, एक झुंझुन वाला तोहर पुराना चाहने वाला। कहाँ कहाँ गया झुंझुन, तू का चाट रहा है वहाँ। हीरों का व्यापारी हूँ, हीरे को ऊपर से लेकर नीचे तक जांच रहा हूँ। अब तक बेदाग है जगन बाबू, बेदाग, स्पॉटलेस डायमंड। लोग हीरा चाट कर मर जाते हैं, लेकिन मैं हीरा चाट कर जी गया। जगन बाबू आधी प्यास बुझ गई, आधी बाकी है, आधी बाकी है। आजा मेरी जान, अभी तो पूरी रात बाकी। वाकई चौधरी का चार इन नसीली आंखन के देख के हमारा नशा दुगना हुई गवा। दुगना चौगना तनिक देर के बात करना। रूपाली तू जाके तैयार हो जा। जूता में दाल मत बाट। चलो दरवाजा चलो। देखा देखा तुम कुत्ता, कुत्ता हूँ मैं, जवानियों को चूमता हूँ, कलियों को मसलता हूँ। ये जवानों की आग, ये जलता बदन। अरे छोड़ता कौन है, अरे करेगा। मेरी गर्म गर्म सांसें। रूपाली है झुंझुन, ये क्या कर रहा तू? अरे छोड़ दे, हमारे भी कुछ जुगाड़ है, छोड़ है, छोड़ दे मुझे। नरक में जाएगा पंप। अरे रूपाली जैसी शराब मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। शराब जी मिल जाएगी तू तनिक ठहर। ये क्या बदतमीजी है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी अदाएं बेचती हूँ, अपनी आवाज बेचती हूँ, लेकिन अपना जिस्म नहीं। शांत हो जा रूपाली, उस ससुरा होश में नहीं था। मगर मैं पूरे होशो आवाज में हूँ। रूपाली हमार धंधा में लोग हाथ पांव तो पकड़ ही लेते हैं, अभी इतना बुरा मानने की क्या बात है? जगन बाबू, शहतूत के दरख्त पर पलने वाला रेशम का कीड़ा किस्मत के हाथों मजबूर होकर अगर गटर में गिर जाए ना, तभी वो गटर का कीड़ा नहीं बन सकता। मैं भी वक्त और हालात के हाथों तवाशा बनी तुम्हारी इस नर की आग में जल रही हूँ, मगर मेरा जमीर अभी भी जिंदा है। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ।
गगन, ये दो कोड़ी की नाचने वाले की ये जुर्रत कि अपने तेवर दिखाकर चली गई और तुम उसे रोक ना सके। अरे झुंझुनुआ, तुम का जगन्नाथ त्रिपाठी को सोचते हो कि वो कच्ची गोली खेला है? हाँ, रूपाली तो कठपुतली है, वो सब कुछ करेगी मगर जब हम चाहूंगा तब करेगी। अरे सेठिया, रूपाली जैसी सुंदरता का भोग करने के लिए रावण जैसन धीरज की आवश्यकता है। धीरज रखूंगा, क्योंकि हम भी इस युग में किसी रावण से कम नहीं। कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा तो हो गई मगर दर्शन नहीं हुए। क्या, दर्शन नहीं हुए? अरे भाग्यवान, जब दर्शन का समय आया तो इतनी भीड़ भाड़, इतना हंगामा कि बस दर्शन होते होते रह गए। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा। हाय राम, आजकल तीर्थ स्थानों पर भी इतने लोग आने लग गए? हाँ भाग्यवान, दर्शन की तमन्ना तो सभी को होती है ना, लेकिन मेरी तमन्ना अधूरी रह गई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी तमन्ना पूरी हो जाए। ये मेरा काम जरूर करना है, क्योंकि जब पत्नी प्रार्थना करती है ना तो भगवान अवश्य सुनता है। डैड, आप कब आए? ये बैग ये जाकर आए? मैं इतना रोक रही हूँ फिर भी इज्जत पर अड़ा हुआ है, आखिर है ना आपका बेटा? अरे डैड, दरअसल मेरे दोस्तों ने बहुत जबरदस्त पिकनिक अरेंजमेंट किया है, यही गंगापुर, हफ्ते भर में आ जाऊंगा। बेटा, जब तू घर पर नहीं होता है, पता है इस माँ का मन कितना परेशान हो जाता है, तू माँ के दिल को समझता क्यों नहीं? माँ, तुम भी बेटे के दिल को क्यों नहीं समझती? अरे भाग्यवान, जवान बेटा है, इसके घूमने फिरने के दिन है। जा बेटा, ऐश कर। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिल्कुल आजाद कर दिया है। सुन लिया ना, अब आता है तुमको मेरे कारोबार की कुर्सी संभाल ली होगी, ये तेरी आखिरी क्या बोलते हैं, हाँ आखिरी पिकनिक है। राइट सर, इसके बाद मैं डैड के बिजनेस में उनके साथ हूँ। बाय मॉम, बाय डैड, हैव अ गुड टाइम। गंगम जी गाड़ी को, और गंगम जी को, इसलिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह। अरे जिंदगी से तंग आ गई हो क्या? मरने का इतना ही शौक है तो पहाड़ से गिरो, कुएं में डूबो, या फिर किसी सांप से कटवा लो। मेरी गाड़ी के नीचे क्यों? क्या कहा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बिना देखे बिना समझे बिना जाने पता नहीं क्या अनऑप्शन आप बग गया। अरे सांप आपको क्या काटेगा, जहर तो मुझे चढ़ गया, कुएं में आप क्या डूबेंगी, समुन्द्र में तो मैं ही उतर गया। अरे अरे सुनिए तो, चले गए, इतरा के पल खा के दिल पे बिजलियां गिराकर चली गई, लेकिन गई कहां? राधा बिटिया, ये चूड़िया बिंदिया काजल और सारे सामान की कीमत 100 रुपया, अकेले झुमके की कीमत 80 रुपया, बोल कहां लेगी? अच्छा ठीक है, अगली बार भैया जब शहर से रुपया भेजेंगे तब ले लूंगी ये झुमके, संभाल के रखना, बेचना मत। ठीक है। आपको पसंद है ना, नाचीज की तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिए। मुझे अजनबियों से तोहफा लेने की आदत नहीं है। आदत नहीं है? मगर ये तो सरासर बगावत है। लेकिन जबरदस्ती तोहफा देना भी कोई शराफत नहीं है। देखो, जब तक तुम मेरा तोहफा कबूल नहीं करती ना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम
जैसे दिलफेक शहरी बहुत देखे हैं मैंने, मगर मैं उन शहरियों से बिल्कुल अलग हूँ। जान की बाजी लगा दूंगा ये दाव पे किसी शहरी लड़की पर दिखा ना, मुझ पर नहीं। देखिए झुमके दिए बगैर तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, आप नहीं जानती मैं कितना जिद्दी हूँ। गाँव की सर्दी में दो घंटे छिटरोगे ना तो अकल ठिकाने पे आ जाएगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। मैं तुम्हें ये झुमके दिए बिना यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। सर्दी में छिटर कर मरने का इतना ही शौक है तो मरो। तो बहुत तेज बुखार है। ये बातें बातें छोड़ इसके लाइट मर जाएगा नहीं तो। अरे क्या बात है बढ़िया, ये कौन लोग हैं, कहाँ हुआ इसे? बापू ये शेरी बाबू है, इन्हें बहुत तेज बुखार है। ओह तू एक काम कर, मौसी का घर खाली पड़ा ना, इको हुआ ले जा, हम अभी डॉक्टर को बुला कर आते हैं, जल्दी कर। इंदर साहब ये गांव की सर्दी और बारिश है, आपके शहर की नहीं, समझ तो गए होंगे अब आप। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया इनको, घबराने की कोई बात नहीं। बाबूजी ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। नमस्कार बाबूजी, आपने तो आपको फिक्र में डाल दिए। बिटिया तू बाबूजी के पास बैठ, हम अभी दूध लेकर आते हैं। अच्छा। ओके ओके सी, ध्यान रखिएगा। थैंक यू बाबूजी। क्या जरूरत थी रात भर बारिश में भीगने की? अगर मैं बारिश में ना भीगता तो ये साबित कैसे होता कि मैं दूसरे शहरियों से अलग हूँ? वाकई तुम बहुत जिद्दी हो। तो फिर पूरी कर दो ना मेरी जिद, जवाब नहीं दोगी? अगर मैं इनकार करूँ तो आज रात तुम फिर से मेरे घर के सामने आके बारिश में भीगोगे। फिर वही मुसीबत, फिर वही परेशानी। ए राधा, क्या वाकई तुम ये परेशानी से बचने के लिए झुमके ले रही हो या? मुझे नहीं मालूम। अरे अरे सुनो तो। अरे तेरी तो अरे मर गए फोकट में, हमको ही तो हमको लियो बचाए। ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। गई दिल में मुंह से हाय कहीं ना जाए। तेरे नैन पे कविता लिखे कलम टूट के रह रह जाए। तेरी सुर्ख की बात चले तो बिन बादल बरखा हो जाए। तेरी चाल की क्या मिसाल दे हिरनी नागिन भी शर्माए। तेरे रूप की धूप के आ
लागे दर्पण भी टुकड़े हो जाए। तेरे बदन की महक से गोरी चंदन भी फीका पड़ जाए। ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। जन्म की बात छोड़ तू देंगे सातों जन्म निभाए। जाते वक्त तुम्हारा उदास चेहरा देखूंगा तो मैं कैसे जा पाऊंगा? हाँ ए, क्या हुआ? इतना दर्द होता है ये मुझे मालूम नहीं था। तो क्या दर्द मुझे नहीं हो रहा है? तो फिर क्या क्यों रहे हो? कभी ना जुदा होने के लिए घर वालों से बात करके अपनी राधा को दुल्हन बना के यहाँ से ले जाऊंगा। क्या ये तुम्हारी दिल बहलाने की बातें हैं? क्या कहा? दिल बहलाने की बातें हैं? जरा मुझे छूकर तो कहो। नहीं छूंगी, तुम्हारी बातें से छोड़ दो। ए, तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। अंगूठी गवाह है मेरे प्यार की और उन वादों की जो मैंने तुमसे किए हैं। हे भोला भैया, आंखों में आंसू क्यों छलक रहे? तू ना समझेगा रे, तूने तो सिर्फ नशे से ही रिश्ता जोड़ा है। तू कहा जाने इसकी कदर, हमारी बहन ने गांव से राखी भेजी। मैं नहीं समझूंगा, तेरी बहन इस दुनिया में है इसलिए तू रो रहा है, और मेरी राखी बांधने वाली बहन इस दुनिया में नहीं है इसलिए मैं पी रहा हूं। अरे बहन का प्यार क्या होता है और उसका ना होने का गम क्या होता है, ये बंगाली जानता है तो जानता है। ले मान ले राम, मिट जाएगा सारा गम। ले मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं पीता है? कोई बात नहीं,
ले चल थम्स अप जो पे है ना माल। अरे माल ले यार थम्स अप है माल माल ए बंगाली है तुहार थम्स अप बहुत तेज है रे हमने तो साला खोपड़िया ही घूम गई खोपड़िया ही घूम गई हाँ स्पेशल है बंगाली एक बात बता हाँ बोलो हमारी बहन तो मजबूर है हमसे दूर है फिर भी हमको राखी भेजी तो है मगर रूपाली अपने भाइयों से मिलने को आई लेकिन हमने उसके हाथ में कोई राखी नहीं देखी हम सारा बहुत कंफ्यूज अरे इसमें कंफ्यूज का कोई बात नहीं है लोग मॉडर्न है अरे मॉडर्न हो या गार्डन भैया भाई तो भैया ही हो पाता ना हाँ, तो है एक मिनट हम आवा अरे कहा जाता है इस विशाल थम्सा भाई ना आज सारा ठंडा बखेड़ा पूरा ही उखाड़ देंगे हाँ देख अरे मर गया रे लगता है इसमें चढ़ गई ऐसे मौके आते बहुत कम है यार क्या बात है हाँ तो ये है वो चारों भाई चारों भाई ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा और देखा कौनों के हाथ में राखी नहीं अरे अब हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ चारों भाई और लगते हैं सबके सब का साई ए कौन है बेटो अरे रूपाली के मॉडर्न भाइयों आज रक्षाबंधन रूपाली के हाथों से राखी बनवाई राखी उसके हाथों से माथे पे तिलक लगाया जिंदगी भर रूपाली की इज्जत की रक्षा करने की सौगंध खाई अरे आज रक्षाबंधन है और हाथों में गजरा ऐसे बांधे बैठे हैं जैसे यहाँ कोई मुजरा होने वाला है बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम नीचे जाओ नहीं हम तो आज तोहरे हाथों से इनके हाथों में राखी बंधवा कर ही जाएंगे देखो ससुरा हाथों में गजरा बांधे ऐसे बैठे हैं जैसे यहाँ कोई मुजरा होने वाला है कौन है ये इसे बाहर निकालो निकालो ये सबके सब खिसके हुए हैं बोला प्लीज अरे चाकू सिंह ने हमको सब कुछ बताई दिया तो हर पहला बाईचांस है कि तुम्हारी शादी किसी विलायती लड़के से हो ये दूसरा चांस है कि रूपाली की शादी इसकी कंपनी के मैनेजर के साथ और तीसरा चांस अरे कसाइयों रूपाली के भाइयों तुम लोगों ने कभी इस गरीब की पसंद को पूछिए कि वो क्या चाहती है अरे भाई हम ऐसा कुछ नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हम रूपाली जी से कुछ पूछना चाहते हाँ तो रूपाली आप ही बता दीजिए कि आपकी पसंद क्या है अरे हमें तो बताइए हम तो आपके अपने में से है ना बोला प्लीज बनी बात बिगड़ जाएगी हाँ बिगड़ जाएगी अरे हम तो बिगड़ी हुई बात बनाने आए बोला तुम्हें मेरी कसम ठीक है तोरी कसम की खातिर हम जाते हैं लेकिन अगर इन लोगों ने राखी नहीं बांधी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा हम नीचे खड़ा हूँ एक एक का चेक करूंगा हाथ और अगर हाथ में राखी नहीं देखी तो सबका काट डालूंगा क्या हाथ सेठ जी उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे बताइए क्या सुनेंगे बहुत हो चुका बहन जी अब मेहरबानी करके इतना बता दीजिए कि पीछे में जाने का कोई रास्ता है सेठ जी लेकिन आपके पैसे जान है तो जान है अगर उस गंवार के हाथ लग गया तो सचमुच ही काट डालेगा क्या न जाने क्या बकदी है हमारे बारे में क्या सोच रही हूँ रूपाली जी रूपाली जी हम हाथी के पास आ रहे थे ये सारा बंगाली ने कल रात राजा ने क्या पिला दिया है हमका खुलो होश नहीं और अनाज सना बग गया ये आपके भाइयों को बुरा तो नहीं लगा रोमांटिक बात करता है उधर हमारी गाड़ी का भाग लग गया
तो हम क्या करें? ये तुझे प्यार करना है तो किसी भाग भी जाओ, तो अभी जगह मिले प्यार करने लगी, सारा ट्रैफिक जाम हो गया है। किसको आंख मारी थे? अरे मेरी तो आंखी ऐसी है, अच्छी थी देखी नहीं कि झपक गई। ऐसा ना, तो ये ससुरी आज भी झक गई। अरे ये तो शुरू हो गया, और आंख मारेगा? अबे मुझे क्यों मारा है, वो तेरी बहन लगती है क्या? अबे वो बहन लगती होगी तोरी, ये हमारी जोरू है जोरू, चला चले माफी मांग चल। बोला ये क्या बदतमीजी है, देखो कैसे देख रहे हैं सब लोग हमें, क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। नो ये छोटी सी बात, अरे भाइयों अगर किसी को कोई दुख पहुंचे और उसके लिए वो अपनी जान पर खेल जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी को देखने के लिए अपनी आंखें तरस जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी को अपनी दिल की बात कहनी हो और दिल घबराए तो उसे क्या कहते हैं? रूपाली जी, रूपाली जी, आपसे हमका चोरी चोरी उही होगा वहाँ। बोला अगर आपको बुरा लगा है तो हम माफी चाहते हैं। भाइयों हमसे इनका कोनो रिश्ता नहीं, कोनो संबंध नहीं, हमसे भूल हो गई हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना रूपाली जी। Oh,
सी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियां। कोई तुझे झेले कहीं चुप रहूं मैं वहां, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियां। चोरी चोरी ओरे मैंने चोरी 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 तेरे संग अखियां मिलाई रे चोरी चोरी तेरे संग ओरे मैंने चोरी चोरी। तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते भोला। अरे हम इतने अनाड़ी है का है? अरे हम तो पहली मुलाकात में ही तोरी पूरी जिंदगी पढ़ ली। अरे तोरी जिंदगी तो अपने भाइयों को मिलने में ही खत्म हो। नहीं भोला, एक होटल में बुलावा था तो दूसरा पूना मा। नहीं भोला, तुम जो मेरे भाइयों के बारे में जानते हो वो सब गलत है। अच्छा तो सही कहा है। यही सच्चाई तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ भोला। मैं कहो काची गुप्तगू हो रही है, दोनों स्पेशल बात हो रही है का? जगन बाबू, रूपाली देवी अपने भाइयों के बारे में कुछ बता रही। अरे उन्हीं भाइयों के बारे में तो हम भी कुछ बात करने आया हूँ। भोला तनिक तू बाहर जा। ठीक है, लेकिन जगन बाबू आप उन मॉडर्न भाइयों का कुछ कीजिए। हाँ कहो सोच रही है। हम है पैदाइशी कमीना और हमारी अखवा में है सुअर का पार और इस ससुरी सुअर जैसन पुतलियां सब भाप ले। तू का समझती है भोला को अपन दुख भरी कहानी सुनाकर बागी बना देगी और हमार कैद खाना से छुटकारा पा लेगी। अरे ऐसन पिंजरा है जहाँ से कोई उड़ान भी भरत है ना तो लाश बनकर यही पिंजरा में ही गिरत है का समझी। और सुन, कल हमारा आदमी भोला के हाथ पांव काट के भीख मांगे के लायक भी ना छोड़े तो का फायदा। और कहीं वो छोरा फोकट में मर मरा गया तो नहीं, तो नहीं कर सकते। तो हर दिल में तो बड़ी जाली मोहब्बत पैदा हो गई, इतनी तड़प उस ससुराल दलाल के खास है। अगर तू इतनी खूबसूरत चंचल जवानी से भरपूर तितली न होती ना तो हम आज तोहर ई चेहरा पे तेजाब डाल के ई थोबड़ा ऐसन बिगाड़ देते कि तू जिंदगी भर आईना में शकल देख के पागलों की तरह चीखती पीती। मुझे ये घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी ना, मुझे तो मैं खुद अपने चेहरे पे डाल लूंगी। ई रहते जा, चल आज रोज रोज की खटपटी खत्म कर देते हैं, ना रहेगी चमड़ी और ना मिलेगी दमड़ी। डर गई ना झमिया। अरे तेजाब थोड़ी है, ई तो पानी है, कहो वो भी गंगा के गंगा जल। तू तो हमार नोट छापने की टकसाल है, कहो ना गवर्नमेंट अपनी टकसाल को जलात है का? अरे हम तो चमड़ी बेचकर दमड़ी कमाते हैं, वो भी सोना की। इतनी खूबसूरत इतनी चमकदार चमड़ी हम कैसे जला सकत। बोल, भोला को कुछ बोलेगी का? हाँ हाँ बोलूंगी, सब
खोलूंगी, तेरा एक एक राज खोल दूंगी। अच्छा, ये तो पानी था, और ये रहा असली तेजा। सुन, इसे ओ मासूम चेहरा जलाएंगे। मासूम याद आया? बसंत भाई, ये सब क्या है? ये कहाँ ले आए तुम मुझे? सही स्थान पर लेकर आया है। ये इस इलाके का काफी मशहूर दल्ला है। एक तोहरा और तोहार भाई के 20,000 में बेच दिया है हमार पास। नहीं बसंत भाई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी मौसी की बेटी को नहीं बेच सकते। अरे ये साला तो अपन सगी बहन को भी बेच दे दे, इतना ऊंचा दलाल है। नहीं, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। समझ गई, खूब समझ गई। का होने वाला है वो भी समझ गई। काफी समझदार है तू। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। कभी नहीं? जब तक तुम्हार मासूम भाई हमारे कब्जा में है तब तक तू समझ, तोहर जवानी हमारे पास गिरवी रखी। अरे जगन बाबू, जितनी ये खूबसूरत है ना, उतना ही अच्छा नाचती और गाती भी है। इसके नाच और गाने पर तो सारा गांव झूमता था। इसको धंधे पर नहीं, कोठे पर बिठाना, रुपया ही रुपया बरसेगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अरे तू अपनी जान तो दे सकता है, मगर इन नन्ही मुन्नी जान का काम। अगर हमारा आदमी एक सुंदर आंख निकाल के तोर हथेली पर धर देंगी तो का फायदा? नहीं, जो उन जबान से ये तोरा दीदी दीदी बोलत है ओकरा काट देंगी तो का फायदा? नहीं नहीं, ये बेचारा अंधा गुंगा होई के कोनो सिंगल पर भीख मांगे तो का फायदा? नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत करना, कुछ मत करना। अच्छा, मैं तुझसे सहारा मांगने आई थी, इज्जत और मेहनत की रोटी कमाने और अपने भाई को पालने के लिए आई थी। सोचा था कि तू मुझे सहारा देगा तो तुझे इतनी दुआएं दूंगी कि जिंदगी भर मैंने जितनी प्रार्थना की है उन सबका पुण्य तुझे मिल जाएगा। मगर तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह तूने मुझे मजबूर और बेबस कर दिया, जिस्मों के बाजार में बेच दिया, भगवान तुझे भी गंदर की ठोकरें दे। तू भीख मांगे तुझे भीख ना मिले, तेरे साथ रोटी पड़ी हो और तू खा ना सके, ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। अब तोरे इन आंसुओं ने कहा कि तुम्हें फ्लैशबैक की कहानी याद आ गई, अपने फूटे नसीब की कहानी। भाई वाह, भाई और बहन का जबरदस्त इमोशनल ड्रामा है। कहाँ है मेरा भाई? मैं भोला से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे एक बार मेरे भाई से मिलवा दो। अरे वाह, का बेचैनी है? मिलवाएंगे, जरूर मिलवाएंगे। अयो चकुआ दीदी, क्या दीदी? दीदी दीदी सुनना, मेरे भाई मुझे तुम्हारे पास रख लो। दीदी तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना मुन्ना ना, तो का पढ़ना है, लिखना है, हमसे भी बड़ा आदमी बनना है। अरे बहन के पास में रहेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? का रूपाली, हम ठीक कह रहे ना? चला जा, चला ले जा इस पिल्ले को। चल बेटा। क्या तुम गांव का कीचड़ इस महल की दीवारों पे लगाना चाहते हो? एक गवार जाहिल लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो? मगर डैड,
मैंने उससे वचन दिया है। दुनिया के हजारों वचन मिलकर भी मेरे असूलों को नहीं तोड़ सकते। मगर डैड, मैं उसे चाहता हूँ, प्यार करता हूँ मैं उससे। आज की दुनिया में प्यार, चाहत, मोहब्बत, रिश्ते नाते बराबरी में होते हैं। तू किसी मामूली आदमी का बेटा नहीं है, एक दौलतमंद, शोहरतमंद, इज्जतदार, एक असूल और करैक्टर वाले बिजनेस टाइकून, हीरो का व्यापारी, सेठ झुंझुनवाला की इकलौती संतान है। मगर मैं अपनी राधा को कभी धोखा नहीं दे सकता डैड। पागल मत बन, दौलतमंद लड़कों के आगे पीछे हजारों लड़कियां होती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने माँ बाप के ख्वाबों को तोड़ डाले, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। समाज में मेरा भी नाम है, मेरी भी इज्जत है, और मैं समाज के सामने नजर झुका के नहीं जी सकता। तेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहता हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला भी है। मां, अगर डैड की यही जिद रही ना तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं राधा के बिना नहीं जी सकता। बेटा, तेरे पिताजी अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं उन्हें समझाऊंगी। हाँ, तेरी शादी वही होगी जहां तू चाहेगा बेटा। हाँ सच। शनि मंगल पे और मंगल शनि पे चढ़ा हुआ है, राहु और केतु भी बुरी नजर डाले हुए हैं, इसी कारण आपका धन, मान मर्यादा और नाम खतरे में है। ए पंडित, तुम तो हमको चिंता में डाल दिया रे, एक तो का है वो बता। अरे जजमान, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र शुभ मंगल हवन करवाइए, सब शुभ मंगल होगा। ए चकवा सरकार, अरे भाई हवन का इंतजाम करो। हो गया सरकार। और हमारू सब छोरा छोरी और झुंझुन वाला अमीना, अरे ये सभी धार्मिक प्राणी है, सबको निमंत्रण दो। भूषण भूषणम तुलसी के प्रभु सुंदरम रघुपति राघव वंदनम नमो नमो सीतावरम नमो नमो रघुनायकम कमल नयन प्रभु पूजनम मर्यादा पुरुषोत्तमम। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय सियाराम। जो
दया करें, अंधा उन्हें बनाई दें, बुरे कर्म की दे सजा, नरक उन्हें पहुंचाई दें। मैं कहता हूं कपट मंडली को सौ सौ धिक्कार। मेरे राम जी भगवान जी, मेरे राम जी भगवान जी, इस संसार के हर पापी का कर दो तुम संहार। मेरे राम जी भगवान जी, मेरे राम जी भगवान जी। चाकू सिंह, अगर जिंदगी में तूने कभी किसी से प्यार किया है तो तुझे उस प्यार का वास्ता हमें जाने दे। प्यार का वास्ता है? अबे उल्लू के चरखे, हमारे इस धंधे की डिक्शनरी में प्यार जैसा कोई लफ्ज नहीं होता, समझे नहीं समझे? लंडी की औलाद हम तो का सजा देंगे, का सजा देंगे पता है? इसमें लिखा है मैं बोल नहीं सकता, मेरी जबान कट गई है। नहीं जगन बाबू, मेरी जबान मत काटिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मेरी जबान मत काटिए, मेरी जबान मत काटिए। ससुराई तो रूपाली का शराब था जो लग गया, वरना हम तो का शमशान पहुंचा देते। अरे कहा कहा था रे इसकी बहन ने, तुम्हारे तो सामने रोटी होगी और तू खा नहीं सकेगा। तेरे सामने रोटी पड़ी हो और तू खा ना सके, ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। नहीं, नहीं, नहीं। याद आ गया ना चिरकर, ससुरा पकड़ा की माफी चिल्ला रहा है वो खींच। अरे बोला ये सब क्या है? अभी बतावत है। अरे ये क्या किया? वो क्या है रूपाली जी, हम बाजार से गुजर रहे थे, टमाटर देखा 2 किलो ले लिया, आलू सस्ता था 3 किलो बांध लिया, 5 किलो प्याज, 8 ठो अमरूद, 12 ठो ले लिया आपेल और 24 ठो ले लिया बनाना। अभी नहीं पूछना कि बनाना क्या होता है, बनाना होता है केला। सामान रखने का ये कोई तरीका है? मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे रूपाली जी सुनिए तो, हम दोनों बच गए। अब तुम शांति से बैठ जाओ। बैठ जाएंगे तो देर हो जाएगी। क्यों, कहीं जाना है? वो क्या है कि बाहर का मौसम बहुत रोमांटिक है, सोचा आपको थोड़ा घुमा के लाऊं। अच्छा, अब मैं समझी ये सब चक्कर, और ये भी समझ गई कि आज आप कंफ्यूज नहीं हैं। करेक्ट, आज हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं। चले चले, हुलिया देखा अपना, ये कपड़े देखिए, सर में चमकता हुआ तेल देखा है, और ये चप्पल, तुम तो पूरे गवार लगते हो। गवार? हम गवार लगता हूँ? ये बात है, ये बात है, बिल्कुल। यू वेट, आई कम। काम सिट बैक। अरे ये तो साहब बन गया,
ये क्या कर रहे हो? तुमने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई क्या? अरे काम अब बहुत साइकिल चलाई रहे, ये क्या चीज है? अरे देखिए संभालो, बोला बोला रेड लाइट है, सिग्नल है, गाड़ी रोको, बोला रोको आप, बोला ये शहर है गांव नहीं, अरे ये साइकिल नहीं है मोटरसाइकिल है, बोला ध्यान से। अरे मर गए, पुलिस पीछे लग गई, तुमने सिग्नल तोड़ दिया। अरे बाबा हम तक कोई नहीं पकड़ पाया, ये क्या पकड़ेगा हमें? अरे बोला देखिए, अरे अरे देखिए आओ, बोला बोला देखो सामने सीढ़ी है। रोकना मालूम होता है तो पहले ना ही रोकते, कोशिश कर रहा हूँ।
राज करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। जुबना पहाड़ करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। डैडी ने कहा कि तू ये बिजनेस की कुर्सी संभाल ले। अच्छा। तो मैंने संभाल ली। बिजनेस के डीलिंग में आप अपने पिताजी से भी ज्यादा स्मार्ट निकले हैं। थैंक यू। क्यों भूपेंद्र, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक। देखो 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तो थारी कंपनी को मिल गया हो भाई जी। हाँ जी। खुश तो हो ना? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत खुश हूँ। अरे तो हमें भी खुश कर दीजिए ना। तो फिर कोई ऐसी मुर्गी पेश कीजिए मन्ने को जो थारे पिताजी ने भी पेश ना की हो। मुर्गी? हाँ, थारे पास तो कॉलेज की नई नई मुर्गियाँ होंगी। नई नई लौंडियाँ जरा चोंच से चोंच मिलाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? अरे नहीं नहीं नहीं, थारे पिताजी तो खुद ही ले जाया करते थे मन्ने, वो भी मस्त और हम भी मस्त। ये कॉन्ट्रैक्ट के कागजात अगर वहाँ बैठ के साइन करेंगे तो इनकी अहमियत और बढ़ जाएगी। हाँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं जी? ये क्या? अरे मेरी, निकल जाइए यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। अरे मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट आउट। डैड को कहाँ छोड़ के आया है? नहीं मुझे मालूम। नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। हराम ज़ादे, मैं तुझे आखिरी बार पूछता हूँ, बता डैड को कहाँ छोड़ के आया है, बताओ। मेरी नौकरी चली आई। नहीं बोलेगा तो नौकरी भी जाएगी, जान भी जाएगी। मत मारिए, बताता हूँ। सब यही है वो आदमी जो सबके लिए लड़की लेके आया है। ठीक है तुम जाओ। जी गोपाल जी का पास अभी देखा। Thank you.
गिरेगी। क्या चोकरी, अरे क्या मस्त चोकरी लाए इसे, चोकरी लाए तुम क्या अंदर क्या मस्त, देखो देखो जी, देखो देखो जी, बेटा तू यहाँ वाह डैड वाह, तो ये है आपका तीर्थ स्थान जहां आकर आप ऐसे दर्शन करते हैं। तुम्हें यहां पर आने की क्या जरूरत थी? और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी बाजारी औरतों के बाजार में आने की आपको क्या जरूरत थी? बेटा इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या दुनिया का हर बाप अपना कारोबार चलाने के लिए इन गंदे रास्तों से गुजरता है? क्या दुनिया का हर पति अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करता है? कितना मजबूर हूं मैं कि मैं आपका यह गंदा चरित्र अपनी मां को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसे पता चला कि उसका पति जिसे वो देवता समझती है इतना गिरा हुआ है तो वो आत्महत्या कर लेगी। तुम जैसी औरतें तो लोगों के बसे बसाए घर उजाड़ देती हैं, बहनों से उनके भाई, बेटों से उनके बाप और पत्नियों से उनके पति छीन लेती हैं। और तुम जैसे लोग इस समाज में गंदगी बढ़ाने वाले कीड़े हो। जिस तरह खून करने वाले से खून कराने वाला बड़ा पापी होता है, उसी तरह इन धंधा करने वाली वेश्याओं से तुम जैसे धंधा कराने वाले दलाल बड़े गुनेगार हैं। अब आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है भड़वे, ले जा अपनी दुकान को यहां से। हमका भड़वा बोला, हमका दलाल बोला तू? हाँ तू दल्ला है इस नाचने वाली का, और न जाने ऐसी कितनी औरतों की कमाई खाने वाला भड़वा है तू। हराम सादे, भोला तू क्या भोला? राधा की तस्वीर इस तल्ले के पास? नहीं, देख भोलेनाथ, आज तेरे सामने तेरा भक्त भोला नहीं और उसका धंधा कराने वाला दलाल खड़ा है, दलाल भोला दलाल। अरे हम क्या बनने आए थे इस धरती बाबू, तूने हमका क्या बनाई दिया भगवान दलाल? अरे माता जो तो हर चौकट पर झुकता रहा उसी माथे पर तूने दलाल लिख दिया, ऐसा कौन सा पाप किए रहे हम जिसकी तूने इतनी बड़ी सजा दी है भगवान? हमरे माथे पर दलाल की मोहर लगाने से पहले हमरी छाती पर मौत की मोहर काहे नहीं लगा दिया? आज हम तो उसे जवाब मांगने नहीं तो उसे ये कहने आया हूं कि हमने माथे पर लगाई हुई दलाल का कलंक हम उसी के खून से धोएंगे, जगन की पाप की नगरी को हम जलाकर शमशान बनाई देंगे,
तब हमसे नहीं कहना कि हमसे कोनो पाप हुआ है, नहीं कहना हमसे कि हमसे कोनो पाप हुआ है। वो क्या बोला? मत रोको हमका, तूने भी हमारे साथ दगा की है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमका जाने तो हमका मत रोको। जाओ मुला, तुम सच्चाई सुने बिना नहीं जा सकते, अगर जिद करोगे तो तुम्हें मेरी लाश पे से जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, मैं तो एक मजबूर बेबस लड़की हूँ, एक ऐसी कठपुतली जो जगन जैसे दुष्टों के इशारों पे चलती है। अगर तुम्हारे माथे पर लगी हुई दलाल की मोहर जगन का दिया हुआ तोहफा है, तो मेरे माथे पर लगी हुई दवाइफ की मोहर भी जगन का ही दिया हुआ जख्म। ये सब कुछ सहना मेरा मुकद्दर क्यों बन गया? इसके पीछे भी आंसुओं में डूबी हुई एक दास्तान है भूला। भूला मैं कभी अपने जमीर को मारकर जी गई और कभी अपनी आत्मा को कुचल कर। रूपाली, हम पाप के उस बाजार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, हम जगन को और किसी की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। रूपाली, हम जगन और जगन जैसन भरवों का नमो निशान मिटाई देंगे, नमो निशान मिटाई देंगे। बोल, हमको तलाल बनाने वाले जगह लगा है, बोल। बोल जगह कहा है, बोल। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सरदार भोला, भोला कहा हुआ है? भोला को चाकू से बहुत मारा, वो इधर ही आ रहा है। मैयारी सरकार, ये तिजोरी। अरे चिरकुटी, ये सब चमड़ी की कमाई है, अपनी चमड़ी सलामत रही तो दमड़ी और कमा लेंगे। चल भाग। जगन, जगन, जगन। ये जगन की तिजोरी से निकाले हुए वो रुपए हैं जिसमें ना जाने तुम जैसी कितनी मजबूत लड़कियों की चीखें हैं, आंसू हैं। उठा लो इसे और निकल जाओ इस कैद खाने से, पाप की नगरी से। आज से भोला तुम सब लोगों को आजाद करता है। चलो उठा लो इसे। लो जगन बाबू, आज हमने तेरे सारे सोने की चिड़िया उड़ा दी। जा। टॉर्च, वो साली यहीं कहीं छुपी होगी। जाओ ढूंढ रहे, जाओ जाओ ढूंढते, उसे देखते। कहीं कहां होगी? इधर नहीं सरकार, इधर ही। भाई भाई भाई, भागो भागो, 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 चलो चलो, आजा, देखा देखा कोई, हाँ, होने की नहीं। कहां गई? देखो भागना ना पाए, देखो इधर कहीं होगी। इधर नहीं सरकार, इधर भी नहीं है। अली, ढूंढो, चलो। हर कहीं जो होगी। कहां गायब हो गई? भाग गई सारी। चलो चलो जगन बाबू के पास चलते, चलो। रूपाली, 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 रूपाली। पता
ये तस्वीर तेरे पास कहां से आई? अरे ये तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ है। अरे इसके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये फोटो हम कर दे, ताकि तेरे गंदे हाथ इसे गंदा कर दें और तू इसे अपनी गंदगी की दलदल में डुबा दे। खबरदार आगे एक भी लफ्ज बोला तो। अरे ये हमारी बहन है, बहन। बहन जैसा पवित्र लफ्ज तेरी गंदी जबान से अच्छा नहीं लगता। अरे भगवान करे तेरी कोई बहन ना हो, वरना तू उसकी दलाली करने से भी नहीं चूकता। ओ झुमरी तोरी जान लेने गए। You are under arrest. इसे ले जाना हवाला पे। काहे? किस जुर्म में? जुर्म? जुर्म भी बताऊंगा और कबूल भी करवाऊंगा। ले जाओ। काहे? ले जाइए इसे और इसे इतना मारिए, इतना मारिए कि इसको देखने के बाद इस शहर के हर तल्ले, हर भड़वे को अपने आप से और अपने इस घिनौने धंधे से नफरत हो जाए। इसकी फोटो हर अखबार में छपवाइएगा। मैं इसीलिए यहां आया था। चलो। बोल बोल, रूपानी कहां है? क्या देख रहे ला बाप? अरे उस्ताद, ये तो रूपाली है। वाह, अब रूपाली का सब कुछ अपुन का, सुंदरता की देवी, नृत्य की बिजली, अदा की आंधी, जवानी का भूचाल, अपुन जग्गा तेरे को सलाम करता है बाप। बोल जग्गा, रूपाली मरते दम तक तेरे इशारों की कठपुतली बनकर नाचती रहेगी, रोड बरसाती रहेगी, मगर तुझे मेरे साथ एक सौदा करना होगा। हुक्म कर। भोला और मेरे भाई को जगन की कैद से आजाद कराना है। करा दूंगा बाप, जमीन आसमान बोल तो मिला दूंगा। तू मेरा काम खत्म कर दे, मैं तेरा काम शुरू कर दूंगी। वाह वाह रूपाली, मर गया तेरे सौदे पे बाप, ये जग्गा मवाली। अरे खड़े खड़े भूखा देख रहे हो? आज से रूपाली अपुन का खास मेहमान है बाप, खास मेहमान। जाओ इसकी खातिरदारी का बंदोबस्त करो। मड़ुआ हूँ। हाँ, लोग हमका बहन का दलाल कहते हैं, हम दलाल हूँ। भोला, हमरे कारण तोरा के बहुत दुख पहुँचा है, हम तोरा से माफी मांग के अपने पापन का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। चल लल्ला, हम तोरा के जमानत देने आया हूँ। मौत को जमानत देकर काहे बुलात हो जगन? अरे ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं है बे, हम दोनों एक ही गांव के हैं, तू हमारे भाई है, हमका सुधरने का तो दे दे भैया। बता दे रूपाली कहाँ है, हम ओकरा भाई को रूपाली के हवाले करके ओकरा से भी माफी मांगना चाहता हूँ। अरे कोना कोना से माफी मांगेगा तू? हाँ, अरे ओकर खातिर तोरा के साथ जन्म भी कम पड़ी, इतना बड़ा कमीना है तू। अब तो हर मीठी मीठी बातों से भोला धोखा नहीं खाएगा, सुना गिरगिट? सरकार, अपने तो ये चाल भी फेल हो गई, इतनी पिटाई के बाद में भी ये सच नहीं बता रहा है। तू सच जानना चाहतो तो सुन, तू भड़वा है, कमीना है, हरामी का बच्चा है, बस एक बार हमका जेल से बाहर आने दे। आज केवल हम कहते हैं, कल सारा जमाना कहेगा कि तू सारा भड़वा है,
तेरी इज्जत मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अरे काहे लगी इतना भचर भचर कर रहा है? जो सारे जमाने की इज्जत को बेचता हो उसकी इज्जत को भला कौन मिट्टी में मिला सकता है? अगर हम चाहूं तो तोहरा के जरूर मिट्टी में मिला सकता। अरे तू क्या मिटाएगा हमका? हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तूने हमरे माथे पर दलाल लिख दिया था। अरे अब तो लोग हमका बहन का दलाल भी कहते हैं। पर ये नाम लेकर हम जीना नहीं चाहते जगन, जीना नहीं चाहते। चाकू सिंह चलिए सरकार। अरे कहा जाता है कर्ण? जो तूफान तू हमारी जिंदगी में लाया है वो तेरा सर्वनाश करेगा, सर्वनाश करेगा। मेरे आका अनुपाली, औरत जा चढ़ना तनिक मजबूरी आ गई है, बस दो दिन और इंतजार कर लो। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। अरे हम जवान का बहुत पक्का हूँ। अच्छा प्रणाम जगन बाबू। प्रणाम सेठ। ये लड़की मछली के कांटे की तरह मेरे हलक में अटक गई है और इस कांटे को सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। देखो। अरे कांटा तो मिल गया सरकार, ये तो भोला की बहन राधा है। का कह रहा है चकवा? सही कह रहा हूँ सरकार, भोला ने एक बार ये तस्वीर मुझे दिखाई थी। तब तो समझ लो बा, हमारी समस्या सुलझ गई और उलझ गई भोला की जिंदगी। ए झुंझुन बाबू, ए फोटो तुहार पास कैसे आई रे? ये फोटो मुझे मेरे नालायक बेटे ने दी है। ये लड़की मेरे घर की बहू बनना चाहती है, सेठ झुंझुनवाला के घर की बहू। और मैं इसे बनाना चाहता हूँ बाजारी रंडी। मैंने इसे टेलीग्राम देकर यहाँ पे बुला लिया है और अपने बेटे को भेज दिया गांव इसे लाने। शाम तक ये लौंडिया मेरे कब्जे में होगी। सेठिया, अगर ये छोकरिया हमार कब्जा में आ गई तो समझो रूपाली तोहरी हो गई। वादा? अरे वादा, बस तुम रामन जैसे धीरज रखे रहो, बाकी तो हमारे ऊपर छोड़ दो ना। धीरज तो मेरा बिल्कुल रावण जैसा ही है रूपाली। सरकार, रूपाली के ना होते हुए भी आपने झुंझुनवाला के साथ में सौदा कर लिया और वहां गिरधारी रूपाली की आस लगा के बैठा हुआ। हमें ये बात कुछ समझ में नहीं आई। चकवा, सरकार इस खेल के हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं रे। सही सरकार, अब तो देखत जा हम का खेल खेलत हैं। लाली देखन में आया तो मैं भी हो गया लाल, बोले गिरधारी लाल की जय। अरे गवर्नमेंट सब कुशल मंगल तो है ना? ना कुशल है ना मंगल है, एक तो दो दिन का बस शक्ल दिखा रहे हो और वो भी रूपाली के हो गया। रूपाली किधर है? लगता है ज्वार भाटा काफी उफान मार रहा है। अरे अन्नदाता, रात की रानी कभी दिन में महकती है का? अजी रतिया तो ने दी पालन, हमारे लसन सुहा का हुआ? हाँ हाँ मुझे सब याद है, सेक्रेटरी से कह दिया है काम हो जाए। धन हो गवर्नमेंट, लगता है आज हमने सुबह किसी बनहूस आदमी का चेहरा नहीं देखा। किसकी तस्वीर है ये? एक ठो नन्ही कली है, अभी अभी हमारी बगिया में आई है। नन्ही कली, दिखाओ तो सही ना। हम कौन है ना सरकार, देख के क्या करेंगे, आपका जिया नहीं मरेगा। अरे भरेगा, भरेगा। अरे सरकार, गांव का अल्हर माल है। अरे तू तस्वीर तो दिखा। अरे गिरधारी लाल जी, अभी अभी सफेद चमड़ी ने गुलाबी रंग पकड़ा है और फिर उम्र भी तो 16 बरस की है। अबे तस्वीर तो अरे छीन छीन के ले गए सैया। वाह क्या रूप है। अरे कुछ भी कहिए बालम, रूपाली जैसी नहीं। चुप बैठ, रूपाली जैसी नहीं। गालों पे लाली, उम्र है बाली, इसने तो आग लगा दी है जगन, इसे तो फौरन बुलाओ और मेरी हाय
प्यास बुझाओ। मगर सरकार, ओ रूपाली, जगन तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दो। ना रूपाली कैंसिल, गालों पे लाली उमरिया है बाली, अजी तोहरी नजर का जवाब नहीं। राधा, अरे कोई है? बाबूजी, अपन कौन? जी मैं राधा का दोस्त हूँ, शहर से आया हूँ। राधा कहाँ है? शहर से टेलीग्राम आए रहे, वो अपन बाबूजी के संग शहर गए हैं। जरूर उस दलाल की चाल होगी। माँ जी कहाँ है? वो तो बाजार गए। अच्छा नमस्ते। अच्छा। ये कौन है? अरे ये तो राधा का भाई भोला है, अपन बहन के शादी के खातिर रुपया कमाने शहर गए। बेटा हो तो भोला जैसा। खबरदार आगे एक भी लफ्ज बोला तो। अरे ये हमारी बहन है बहन। इसका मतलब मैं भोला भैया को गलत समझ बैठा। ए भोला शंकर, हम बहुत खुश हुए, आज हम तोरा के ऐसा चीज दिखाने आया हूँ जिसको देख के तोरा पैर के नीचे की धरती खिसक जाएगी। ये देख। अरे वाह, पहचान गया। अब ये हमार कब्जा में है, अब इसको हम अपने धंधा पर कितनी आसानी से लगा सकता हूँ ये तू अच्छी तरह से जानता है। तुम्हार गंदे हाथ हमारी बहन तक कभी ना पहुंच सकत। तेरी ये चाल भी नहीं चाहेगी। हम जानता हूँ तेरे को जीता जाता सबूत चाहिए। छुटके छुटके, चल। अगर हमारी बहन को कुछ हो गया ना तो तुझे जान से मार डालूंगा कुत्ते। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तू अपन बाप और बहन को बचाना चाहता है तो बता दे। रूपाली कहाँ है? जगन, जगन, रूपाली इसके पास होगी तभी तो बताएगा ना बाप। तेरी सोने की चिड़िया तो अपुन के पिंजरे में बंद है, लेकिन उसकी जरूरत अपुन से भी ज्यादा तेरी को है ना बाप। का बात है जग्गा सेठ, इसको कहते हैं दलाली के धंधे की ईमानदारी। वैसे इस ईमानदारी की कीमत का लेगा? बस कीमत बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। 5 लाख दिया। भोला दलाल, तू घबराओ नहीं, अगर तू जिंदा रहा तो तोर बहन की दलाली का काम भी हम तुमको ही दूंगा, क्योंकि अब एक नहीं दू ठो न थुतरेंगी, एक ठो रूपाली की और दूसर तोर बहन की। हेलो, कौन? हम जगन। रूपाली तोहर तकदीर का ताज बन गई है, मतलब मेरा रावण जैसा धीरज रंग ले ही आया और तो राधा को भी कोठा पे पहुंचा दिया। मतलब रूपाली मेरी, सिर्फ मेरी। रूपाली की नत उतारने का कीमत होगी 10 लाख। 10 लाख?
लोहा गरम देखकर बड़ा जोरदार हथौड़ा मार रहे हो जगन बाबू। रूपाली के आधे दर्शन हुए थे, आधे दर्शन बाकी हैं। पूरे दर्शन करने के लिए भेंट तो चढ़ानी पड़ेगी ना जगन बाबू। तुमने हथौड़ा बिल्कुल सही मारा। माँ, 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 वहां तुझे राधा नहीं मिली ना? ये बात तुम्हें किसने बताई माँ? तेरी राधा को तेरे ही पिता ने जगन नामी दलाल के कोठे पर पहुंचा दिया है। क्या ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मेरे घर की होने वाली बहू की इज्जत किसी वेश्या खाने में नीलाम होने नहीं दूंगी मैं। जा बेटा, राधा को उस नर्क से बचा ले। पर राधा को बचाते हुए अगर मेरा सुहाग भी तेरे आड़े आए तो उसे भी मिटा देना, मगर राधा की इज्जत को मिटने मत देना बेटा, मिटने मत देना। वचन दे मुझे, गोली चलाते हुए तेरे हाथ नहीं कांपेंगे। मैं वचन देता हूं मां, मैं तेरी बहू को लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बहुत बात सुन चुके, गाड़ी रोको। देखो पुलिस तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें गोली मार देंगे। अरे तुम्हारी बातों के जख्म से पुलिस की गोली की जख्म बहुत अच्छा है। तुम गाड़ी रोको, जिद मत करो। देखो हम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरेंगे, तुम गाड़ी रोको। राधा के लिए भी नहीं, अनजाने में जो मुझसे भूल हो गई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। भूल? मैं राधा के बिना नहीं जी सकता और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे चल रूपाले, तू देख, तू तोर भाभी भोला की मासू का, और रूपाली ही है तोर भोला की बहन राधा, राधा रांडी। इका इका जरा अच्छी तरह समझा दे कि रात को आज क्या करना है। अरे वही जो तुझको करना है, समझ गई ना? वो साला भोला हरामजादा बहुत नुकसान किया हमारा, एक एक पाई का वसूली करना है तुम दोनों से। अब जरा भी आनाकानी किया तो भोला का बाप और तुहार भाई साला दोनों को खत्म खत्म कर दूंगा। देखना, तुम दोनों को इस शहर की सबसे महंगी वैश्या बनाऊंगा। भाभी, भाभी, हमें बचा लो, भाभी, हमें बचा लो। हम ऐसे पिंजरे में फंस गए जहां जिंदगी और इज्जत का कोई भरोसा नहीं। जब मैंने इस गंदगी की कीचड़ में पांव रखा तो अपने साथ ये जहर की शीशी भी रख ली कि अगर कभी मेरी इज्जत पर आंच आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी पर अपनी इज्जत नहीं। और तू भोला की बहन है, मेरे घर की इज्जत है। अगर भोला वक्त पर ना पहुंचा
और तुझे बचाने में मैं नाकाम रही, तो ये जहर पीकर अपनी जान दे देना, मगर अपनी इज्जत मत खोना। भोला भैया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, और इस तरह अगर हम उन दोनों को ढूंढते रहे तो पूरी रात चली जाएगी और रूपाली और राधा का कोई पता नहीं चलेगा। नहीं, हम उन लोगों का पता लगा कर ही रहेंगे। ए भैया, तुम तो बड़े बाप के बेटे हो, किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर को जाना तो? जानता तो सबको हूँ। तो एक काम करो, तुम पुलिस को पकड़ो, हम सब बंगाली को पकड़ता है। भैया वो कपड़े पहन लो। हाँ। श्रद्धा योग्य आदरणीय कदरदानों और चमड़ी के पुजारियों को जगन्नाथ त्रिपाठी का प्रणाम। आज यहाँ आप माननीय अतिथियों को जो उन कारण बुलाया गया है, और महत्वपूर्ण कारण ई है कि आज हमारे बाजार की दोईठो कोहनू हीरा की नथ उतरने वाली, और इसी खुशी में ई महफिल सजी है। इन सब सुंदरियन के सीने पर बिल्ला टंगा है। आप लोग ई बर्तन में से एक एक बिल्ला उठाइए, और ई बिल्ला के नंबर की सुंदरी को ले जाकर आज की रात का आनंद होगी। और दूसरी खुशखबरी है कि आज की रात कौनो सुंदरी का कौनो रेट नहीं, कौनो दाम नहीं, फ्री ऑफ कास्ट ऑन दी हाउस। पता रूपाली और राधा का है? बोला ना, मुझे नहीं मालूम। तो फिर जगन कहाँ है? वो भी मुझे नहीं मालूम। मैं चाकू सिंह को एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखा। चल मुझे वहां ले जा। चल चल नंबर कहा है हमारा? कहा भाई? हाँ ले जाइए रतन बाबू, राजभोगे किशोर जी। चलिए भाई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी की गाड़ी चोरी हो गई है। देखिए सर, गाड़ी का इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। गाड़ी का नंबर है MAS 1414। मैं अभी वायरलेस में मैसेज दे देता हूँ। आप झुंझुनवाला के बेटे हैं ना? जी, और उन तक पहुंचने का मेरे पास यही एक रास्ता है। प्रणाम भैया झुंझुन। ये लो जगन, तुम्हारे कोहिनूर हीरे की कीमत 10 लाख रुपया। 10 लाख। मगर हमारे दिल की धड़कन है कहाँ? बस ठीक है, तो हर खातिर सज रही है, धज रही है। अरे जब इतना धीरज धरे हो तो तनिक और धर लो। इलो विदेशी है तो हर खातिर दो चार खुल के गरमा लो। और कितना दूर है बंगाली? चाकू सिंह को तो मैंने इधर ही आते हुए देखा था। उसका मिलना बहुत जरूरी है। अरे देखता हूँ भाई। ये तो चाकू सिंह की जीत है। आवा मंत्री महोदय, कैसा है चोर? सब कुशल मंगल है बस। नमस्कार। तोर सुफेद चमड़ी गुलाबी काल। अरे बस नहाय धोई के इतर लगा के पधार रही है। ऐसे सुनो जी, हमारे होलसेल के शराब लसलसवा का कहा हुआ? अरे वो तो कब का पास हो चुका है ये सब? अरे ये सब रिटेल का काम है। तू देखो, नंबर निकालो, छोकरिया ले और आनंद भोगो। तो क्या मुझे भी नंबर उठाकर लड़की पसंद? अरे क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट, आप तो सब नंबर लगवा रहे हैं। आपका ठप्पा तो लग चुका है भोला की बहन वहाँ पे। वो है किधर? बैठवा। छोड़ो छोड़ो, मुझे दीदी के पास जाना है। अबे चुप चुप, मैं तो लगा के दूंगा एक, आराम से खेलने दे। अरे ओ शैतान की औलाद, कहे वो बच्चे पर जुलम करे? जुलम? अबे सारे जुलम देखा ही कहा है जुलम देखने का? अरे आने दे अपने भोला को, तो अगर जान से ना मार देना तो देखना। भोला? अरे भोला जिंदा रहेगा तो आएगा ना, कहाँ से आएगा वो? भोला बेटा, अरे मार ही शैतानों को।
क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर बाजार हो गया है धर्म। आए राधा रानी। अरे अरे जाने बाहर, आज रावण का धीरज रंग ले ही आया। अरे मर जाऊं रे। जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहीं रुको। ओके जनाब, जस्ट वेट फॉर मी। रूपाली, कब से मैं रावण जैसा धीरज बांधे बैठा था, आज मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा रूपाली। झुंझुनवाला सेठ, आज तो रूपाली तुम्हारी हो ही चुकी है, फिर इस सब्र का पैमाना क्यों छलका रहे हो? अभी तो सारी रात बाकी है। आज हम दोनों इस माहौल को शराब से नहला देंगे, ताकि आज की ये रात हम दोनों के लिए यादगार रात बन जाए। चीयर्स। नहीं सेठ जी, नहीं, मेरे साथ ऐसा पाप मत कीजिए प्लीज। मैं आपकी बेटी समान हूँ प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, पर क्या करूँ, इस धंधे में कोई छोटी बेटी नहीं होती है। नहीं। ये क्या कर रही हो? माहौल को शराबी बना रही हूँ। माहौल को शराबी बनाने का ये क्या तरीका जाने मन? आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पे कोई नई चीज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की रात को यादगार बनाना है ना। मैं जला दूँ? जलाओ जाने मन, आप जलाओ। नहीं, मेरी जिंदगी जल जाएगी, मुझे हाथ मत लगाना। अरे एक रात हमारे साथ गुजार लो, फिर किसी की भी पत्नी बन जाना। अरे हमें कौन सा तुम्हें गले लगाकर घूमना है? नहीं, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं, नहीं, नहीं। इतनी हसीन रात अंधेरा क्यों कर दिया मेरी जान? इस शमा को जलाकर अपने परवाने की प्यास को बुझाऊंगी, क्योंकि ज्यादा रोशनी में मुझे शर्म आती है। शर्म? अरे आज शर्म और हया को भूल जा मेरी जान, मेरे पास आ जा। ये क्या कर रही हो? माहौल को गरम कर रही हूँ। आरामजादी, मेरे को इतना बेवकूफ समझती है? अब आ मेरे पास, मेरे पास बात, मुझे रुपाई चाहिए ना। आ पास तो आ, अब क्यों डर रहा है? इधर आओ। आग। अरे राधा रानी, आजा, आजा मेरे पास। रूपाली तू? हाँ मैं। दादा उठो और निकलो यहाँ से। चलो, ये तो भाग गई, मगर तू किधर जाएगी? हाँ आगे बढ़े तो जान से मार डालूंगी। रूपाली भाग गई तो क्या हुआ, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे घर की बहू बनेगी, मेरे घर की बहू बनेगी। अरे जब जिंदा नहीं आएगी तो बहू कैसे बनेगी? पिताजी रुक जाइए, अपने बाप पे गोली चलाएगा, अपने बाप पे गोली चलाएगा।
पिताजी, अगर राधा को कुछ हो गया ना तो मैं आपकी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि हमारे घर की बहू कैसे बनेगी, कैसे बनेगी ये बहू। पिताजी नहीं, तो नहीं। पिताजी पे गोली मत चलाओ। देखा पिताजी, आप जिसकी जान लेना चाहते थे वो आपकी जान बचाने के लिए आपके सामने खड़ी हो गई है। चलो राधा, तुम्हें छोड़ के रूपाली भाभी को भी यहां से निकालना है। ए, ए, क्या होटल मचा रखा है, सारी रोड फॉरवर्ड प्लट कर दी, कौन आप बता गई है। आए लौंडे, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो ई लौंडिया की खुपड़िया में और तुहार अग्नि कुंड में गोली उतार दूंगा। कहा नहीं जाओ चिरकुट को। ऐ भैया, कौनो चिंता की बात नहीं है, और झुटपुट आग थी बुझाई दी गई है, आप लोग अपने अपना पार्टनर के साथ जाके मजा लूटो जाओ। तांबे जी तमंचा संभालो। अरे आप जाओ भाई, कहा खड़ा हो यहाँ, जा बुला रहा है। शेर की मांड में घुसता है बेटा। तो ठीक है पिताजी, अब मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने संभालता हूँ, आप राधा को बचाइए। भोला भैया क्या कर रहा है?
अगर हम चाहूं तो तुझे इसी वक्त मिटा सकता हूं, लेकिन नहीं। तूने इन मासूमों की जिंदगी उजाड़ी है, यही तुझे सजा देंगी। जाओ, इस साला जगन का नाम इस जगत से मिटा दो। जाओ, अरे तुम सबकी सब नरक में जाओगी। हम पर बार किया तो नरक में जाओगी। अरे हम तो हर अन्नदाता है, और देखो हम पर हम बार मत करो, हम कह रहे बाबा की चट्टा के सीखेगा। अबे हमने कसम खाई थी कि तोरे खून से हमरे माथे पर लगी दलाल दाग मिटाएंगे, लेकिन तेरा खून बहुत गंदा है। हम अपने गांव की मिट्टी से ही ये दाग मिटाएंगे। थू! भाभी, अब जा रही हो अपने भोला को छोड़ के? मैं भोला के लायक नहीं हो रहा था। भोला एक अच्छा इंसान है और मैं एक दाग हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे समाज में सर झुका कर जीना पड़े। अरे हमें समाज की कोनो चिंता नहीं, भगवान सब कुछ जानत है। तुम नहीं समझोगे भोला। अरे भोला भैया, भाभी जा रही है, रोको ने। हम का करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम बहुत कंफ्यूज हूँ। इधर आइए। कोई तो हमको लियो बचाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। बोला बोला, क्या हुआ? उठो। दिल की बात अटक गई दिल में, मुंह से हाय कहीं ना जाए, तेरे नैन पे कविता लिखे कलम टूट के रह रह जाए, तेरी सुर्ख की बात चले तो बिन बादल बरखा हो जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए, क्या मिसाल दे हिरनी नागिन भी शर्माए।